अपनी पत्नी अंजू की हत्या के मामले में टीवी सीरियल निर्माता और इंडियाज मोस्ट वांटेड शो के एंकर सुहेब इलियासी को आज सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में 17 साल बाद सुहेब के जुर्म का हिसाब होगा। हेलो एंड वेलकम टू द प्रोग्राम वंस अगेन। क्राइम शो की स्क्रिप्ट से सनसनी मचाने वाले सुहेब इलियासी के सबसे संगीन जुर्म का आज हिसाब होगा। दिल्ली की एक अदालत सुहेब को अपनी पत्नी अंजू के कत्ल का दोषी ठहरा चुकी है और आज इस चर्चित मर्डर केस में सजा का ऐलान किया जाएगा। साल 1998 में इंडियाज मोस्ट वांटेड शो से घर घर में मशहूर हुए सुहेब ने अपनी ही पत्नी के मर्डर की ऐसी कहानी रची जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। दरअसल 11 जनवरी 2000 को सुहेब की पत्नी अंजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे सुहेब इलियासी ने खुदकुशी बताया। मार्च 2000 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन जल्द ही वो बेल पर बाहर आ गया, जिसके बाद अंजू के परिवार ने इंसाफ के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई। हाईकोर्ट के निर्देश पर सुहेब के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। जांच में जो बातें सामने आई उससे साफ हो गया है कि सुहेब ने क्राइम को लेकर अपनी जानकारी का इस्तेमाल किस तरह से कत्ल जैसे जुर्म के लिए किया। इसके क्राइम की जो नॉलेज थी, इंडिया मोस्ट वांटेड सीरियल का टेलीकास्ट होने की वजह से हाउसहोल्ड सेलिब्रिटी था, क्राइम को इसकी जितनी उस टाइम तक इन डेप्थ नॉलेज थी, उसने इसको इस हिसाब से पोर्ट्रे किया कि मेरे सामने ही मेरी वाइफ ने सुसाइड किया, तो वो चीज इसके अगेंस्ट जा रही थी, क्योंकि जो इसके एक्ट थे और कंडक्ट था और सीन ऑफ क्राइम था वो बिल्कुल अलग अलग था। मामले की जांच कर रहे अधिकारी भी मानते हैं कि सुहेब ने सभी को गुमराह करने के लिए बेहद शातिराना तरीके से हत्या को खुदकुशी दिखाया था। अंजू की बड़ी बहन ने आखिरी बार अंजू से बात की थी एंड शी टोल्ड हर, दीदी मुझे बचा लो। तमाम फैक्ट्स जो अंजू की मौत को हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे बहुत कड़ी दर कड़ी उस केस के अंदर मौजूद है, जिनको कोर्ट के सामने पेश किया गया है और कोर्ट ने अपना फैसला किया है। अब पीड़ित परिवार सुहेब के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं ताकि समाज को इससे सबक मिल सके। तो डेटरेंट से डेटरेंट इफेक्ट के लिए ये जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को क्राइम का चैंपियन बताता था। क्राइम सीरियल इसने बनाया, इंडिया मोस्ट हाउसहोल्ड सेलिब्रिटी ये बना, उसके बाद ये खुद इंडल्ज हुआ क्राइम में, तो दैट क्लियरली शोज कि ये कोल्ड माइंडेड वेल प्लान्ड एग्जीक्यूटेड मर्डर था। जामिया मिलिया इस्लामिया में सुहेब के साथ पढ़ने वाली अंजू ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। बताया जाता है कि कुछ समय बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसका अंजाम जुर्म के रास्ते पर जाकर खत्म हुआ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।